इस वक्त हम गौनाहा प्रखंड के माधोपुर पंचायत के माधोपुर बैरिया गांव में हैं और ये वार्ड नंबर 5 है। आप देख पा रहे हैं हरवड़ा नदी है जिसका कटाव गांव में इतनी तेजी से हो रहा है कि गांव के लोग भयभीत हैं और गांव का जो पानी का जो दिशा है वो गांव की तरफ कटाव बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पे ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। रात भर यहाँ के ग्रामीण जाग के बांध के किनारे कहीं गांव का जो ये हरवड़ा नदी का कटाव हो वो गांव में पानी उसका घुसना चाहिए। यहाँ पे ग्रामीण है, ये बताइए कब से कटाव हो रहा है यहाँ पे? ये तो कटाव मतलब 2010 से भले से कटाव हो रहा है। नहीं, ये स्थिति कब से? ये स्थिति हमको मतलब लगता है कि आज 5-7 रोज भले से मतलब लगा हुआ है और हमको यहाँ से स्थानीय सीओ साहब है उनको हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए लेकिन आए और बालू भर के जो बैग लगाया जाता है वो लगाए लेकिन टिकाऊ नहीं हुआ। पिछले साल भी लगाया लेकिन टिकाऊ नहीं हुआ, उसके उपरांत आगे कट कर और गांव में घुस गया पानी जिससे पूरा ग्रामीण लोग सहमा पड़ा है। हम लोग यहाँ रात भर यहाँ मतलब जाकर आदमी समय काटता है। अभी बताइए किसी के घर में पानी घुस गया, ना खाने का ना व्यवस्था है, ना कुछ ना व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि हमारा यहाँ जो मेन रोड है वो भी इस नदी से प्रभावित है, इस हरबोरा नदी से। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कम से कम इसको कम से कम बोल्डर पिचिंग करा दिया है, कम से कम हम लोग चैन की नींद ये नदी पहले कहाँ से कटाव कर रहा था? ये नदी लगभग कम से कम यहाँ से आपको 200 मीटर आगे है, 200 मीटर आगे से। और ये काटते काटते यहाँ आया है। अब गांव लगभग 2-3 गांव यहाँ से घर उजड़ गया है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम दिनेश शर्मा, माधोपुर बैरिया, वार्ड नंबर 5 से वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य जी जी। तो ये वार्ड सदस्य हैं, इनका कहना है कि गांव का जो ये कटाव जो हो रहा है 200 मीटर उधर था लेकिन ये काटते काटते ये गांव की तरफ आता जा रहा है और यहाँ पे ग्रामीण है वो भी क्या तरह गांव में रहते हैं जन वो बहुत दिक्कत से बहुत परेशानी से रोल जाता है हमने क्या जी। अब मान के चल कि हर दम के छाती में हाथ रहता पे गांव में पानी कब का पता बजे रात के डूब जाए कि कब डूब जाए है कोई आवत नहीं है यहाँ कोई नहीं क्या होता कोई आवत है तो आवत देख लेता देख के चल जाता कोने पर सुनाई नहीं क्या हो क्या कहते हैं चाची नहीं खा ढेर दिन का बात है बबुआ। अच्छा। हाँ नदी आई नदी रला हो ही जा उस समर बा मोटका हाँ, हाँ। डबिशन का औरिया औरिया नदी रला सुननी आ ई काटा ता होता लोग लोग है ना भागल जाता तो है ना भागल जाता ई कट जाए तो कहाँ के तरह रह जाए आ खोइला खोइला बिनु मर जाता निशान हाँ हमने के खोइला खोइला बिनु लावना लकड़ी सब भीन जाता चाउर और सब धान उन सब भी जाता बाढ़ ढूक जाता रहता। ये ग्रामीणों की बेवसी है वो कि गांव में जब पानी घुस रहा है तो इनका घर में रहना मुश्किल हो जाता है, घर में अनाज जो रहता जी हतना हेल का हम आई भागल बाड़ी जी ये बाबुआ का नाथ पर केना दुनी बैल भी। तो ये ग्रामीण है ये कहना है कि जब पानी जब गांव में घुसता है तो गर्दन भर पानी गांव को छोड़ के लोग दूसरे जगह शरण लेने के लिए मजबूर है, ऊंचे स्थान पर जाकर शरण ले रहे हैं क्योंकि जो हरबोड़ा नदी का जो कटाव हो रहा है नदी का कटाव वो गांव की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। और आपको तस्वीर पीछे दिखा दें कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा बचा हुआ है हरबोड़ा ये नदी का कटाव, अगर पानी घुसता है तो ये रास्ता बंद हो जाएगा और गाँव के लोग उधर ही रह जाएंगे। और ये देखिए आप ये पीछे भी हम तस्वीर एक बार दिखाएंगे कि तस्वीर देखिए गांव कैसे कटता रहा और पानी जैसे है वो गांव में घुसता ही जा रहा है और यहां पे जो मकान है वो भी कटने के कगार पे है लेकिन अभी तक यहां पे पक्के ठोकर का निर्माण नहीं हुआ है। और ग्रामीणों का कहना है कि अगर पक्के ठोकर का निर्माण होगा तो ही गाँव को बचाया जा सकता है लेकिन हरबोड़ा नदी का जब ये कटाव तेज हो रहा है जब पानी के लहर जो मारती है तो गाँव के लोग डर जाते हैं सहमे हुए हैं कि ना जाने क्या होगा कि अगर गांव में पानी प्रवेश कर जाता है तो इन्हें गांव छोड़कर कहीं दूसरे जगह शरण लेना पड़ेगा। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत, बेतिया।